अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार आज दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। बैठक में देश भर के एनसीपी नेताओं के जुटने की उम्मीद है। इस बैठक में पार्टी के सभी पार्टी प्रमुखों और प्रदेश के नेताओं के जुटने की भी उम्मीद है। इसके जरिए शरद पवार पार्टी के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में है। एनसीपी से अजीत पवार की बगावत के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। इस बीच आज शरद पवार दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद हैं। शरद पवार की इस बैठक में पार्टी के सभी पार्टी प्रमुखों और प्रदेश के नेताओं के एकजुट होने की उम्मीद है। इस बैठक के जरिए पवार पार्टी के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में होंगे। पार्टी और उसके चिन्ह पर अपना दावा खोने से बचने के लिए शरद पवार का यह जरूरी कदम माना जा सकता है। इस बीच बैठक से पहले ही एनडीएमसी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पोस्टर और होर्डिंग हटा दिए हैं। मौलाना आजाद रोड सर्कल और जनपद सर्कल के पास पोस्टर हटाए गए हैं। एनसीपी में फूट के बाद बीते दिन शरद पवार और अजीत पवार गुट ने अपनी पार्टी अलग अलग कर ली है। दोनों नेताओं की बैठक में काफी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि भतीजे अजीत चाचा शरद पर भारी दिखे। ऐसा इसलिए क्योंकि अजीत गुट की बैठक में एनसीपी के 53 में से 32 विधायक शामिल हुए, वहीं शरद पवार की बैठक में केवल 16 विधायक ही उपस्थित रहे। अजीत पवार को पार्टी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और प्रफुल्ल पटेल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी दावा ठोक दिया है।